नमस्ते टीचर्स, नमस्ते जजेस। मैं आहाना दास चौथी कक्षा में पढ़ती हूँ। आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही मजेदार और रोचक कहानी सुनाने वाली हूँ, जिसका नाम है छतरी वाले की सफलता। एक गांव में एक छतरी वाला रहता था, उसका नाम राजेंद्र था। उसकी कमाई गर्मियों में और बारिशों में बहुत अच्छी होती थी, लेकिन सर्दियों में नहीं होती थी। एक दिन वो ये सोचते सोचते चल रहा था कि मेरी कमाई सर्दियों में कैसे होगी। फिर उसे कुछ बच्चे, कुत्ते और बत्तखों के साथ खेलते हुए दिखे। उसने सोचा कि अगर मैं इन छतरों को अपनी छतरियों पर बनाऊं, तो मेरी कमाई सर्दियों में भी बहुत अच्छी होगी। फिर वो ऐसा ही करता है और उसकी कमाई सर्दियों में भी बहुत अच्छी होने लगती है। फिर एक दिन कल्पना नाम की एक लड़की, जो उसी गाँव में छतरियाँ बेचती थी, मन ही मन सोच रही थी कि इसकी वजह से मेरी कमाई नहीं हो रही है। मैं आज ही रात को जाकर इसकी सारी छतरियाँ चुरा कर कल सुबह अपनी दुकान में बेचूंगी। वो ऐसा ही करती है। फिर अगली सुबह जब राजेंद्र उठता है, देखता है कि उसकी सारी छतरियाँ चोरी हो गई हैं। फिर वो उन्हें ढूंढते ढूंढते जाता है और देखता है कि कल्पना की बेटी उसकी छतरियों के साथ खेल रही थी। फिर वो उससे पूछता है, तुम्हें ये छतरियाँ कहाँ से मिली बेटी? वो कहती है, मुझे ये छतरियाँ अपने घर के पिछवाड़े से मिली। आप क्यों पूछ रहे हो वैसे? वो कहता है, मेरी छतरियाँ गायब हो गई हैं और वो चोरी हो गई है, इसीलिए। कहती है, ठीक है, मैं आपको वहाँ पर ले चलती हूँ। वो उसे वहाँ पर ले जाती है और वो देखता है कि उसकी सारी की सारी छतरियाँ वहीं पर है। और फिर वहीं पर कल्पना आती है और शर्म से वापस जाने लगती है। फिर राजेंद्र उसे अपने पास बुलाता है और कहता है, अगर तुम्हें मेरे व्यापार से परेशानी हो भी रही तो तुम मुझे पहले ही बता देती, इससे मैं दूसरे शहर में जाकर छतरियाँ बेचने लगता। इससे ना ही तुम्हें परेशानी होती, ना ही मुझे होती। वो कहती है, मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी वजह से आपको इतनी परेशानियाँ झेलनी पड़ी। वो उसे माफ़ कर देता है और वो और अलग अलग ढेर अलग अलग प्रकार की छतरियाँ बनाता है, जैसे कि माथे पर बेल्ट से बांधने वाली छतरियाँ, मेज पर खड़ा करने वाली छतरियाँ, मोटर बाइक पर बांधने वाली छतरियाँ और ऐसे ही कुछ अलग अलग प्रकार की छतरियाँ वो बनाता है और उन्हें दूसरे शहर में जाकर बेचने लगता है। इससे दोनों का व्यापार बहुत अच्छा जाता है। तो मेरे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हम लोगों को कभी भी किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए, ना ही करना चाहिए। धन्यवाद।